हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज माइटोसिस या फिर माइटोटिक डिवीजन। सेल डिवीजन में सबसे पहला टाइप का जो डिवीजन है उसको हम लोग माइटोसिस या फिर माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लो ये टर्म किसने दिया था, माइटोटिक टर्म किसने दिया। तो जो माइटोटिक टर्म था वो आपका किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, फ्लेमिंग। तो ये आप याद रखना कि फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, माइटोटिक टर्म दिया था। माइटोटिक शब्द को किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है ना। और सबसे पहले माइटोसिस को एनिमल सेल में किसने डिस्कवर किया, ये भी याद रखो कि माइटोसिस को एनिमल सेल में सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया या फिर डिस्कवर किया, तो एनिमल सेल में भी फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर किया था। ये याद रहेगा, फ्लेमिंग ने ही क्या किया था, माइटोसिस को एनिमल सेल में डिस्कवर किया था, ठीक। अच्छा, प्लांट सेल में माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया, तो प्लांट सेल में माइटोसिस को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो ये भी आप याद रखना कि प्लांट सेल में बेटा किसने डिस्कवर किया, स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है ना, स्ट्रासबर्गर। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल में माइटोटिक डिवीजन को सबसे पहले रिपोर्ट किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको माइटोसिस की स्टडी करनी है, अगर आपको लैब में माइटोसिस की स्टडी करनी है, तो माइटोसिस की स्टडी के लिए सबसे अच्छा मटेरियल अगर कोई होता है तो वो क्या होता है, वो होता है अनियन की रूट टिप। क्या चीज, अनियन यानी जो प्याज होता है, प्याज जो एक तरह का वेजिटेबल है, उसकी जो रूट होती है उसका जो टिप होता है, रूट का टिप जो होता है ना, उसकी जो सेल्स होती है उनमें आप माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टडी करनी है माइटोसिस की स्टडी, तो माइटोसिस की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है ऑनियन रूट टिप सेल, ठीक है ना। ये आप याद रखो कि अगर आपने माइटोसिस की स्टडी करनी है तो सबसे अच्छा आपको क्या रहेगा, आप ऑनियन ले लो और उसकी रूट की जो टिप की सेल्स है उनके अंदर आप माइक्रोस्कोप में माइटोसिस की स्टडी कर सकते हो। बेस्ट मटेरियल इसको माना जाता है, ये बेस्ट मटेरियल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि माइटोसिस कहाँ होता है, तो बेटा तो माइटोसिस तो जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो लेस डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स से लेकर जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वेल डेवलप्ड होते हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, उन सब की बॉडी में जो है माइटोसिस पाया जाता है। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर जो है माइटोसिस जो होता है वो पाया जाता है, माइटोसिस अकर, ठीक है ना, दोनों में रिपोर्ट किया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि माइटोसिस केवल एडवांस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है या फिर हायर प्लांट्स में पाया, ऐसा नहीं। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, जो लोअर आपके फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं या फंगस हैं, इन सब के अंदर भी माइटोसिस देखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप याद रखो कि एक्चुअल में होता क्या है माइटोसिस में, तो माइटोसिस में सेल का मल्टीप्लीकेशन होता है। माइटोसिस जो है ना उसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, सेल क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है बेटा जिसमें क्या होता है, सेल्स का क्या होता है, गुणन होता है, मल्टीप्लीकेशन। मीन्स क्या कि जैसे क्या कोई एक सेल है तो उससे फिर दो सेल बन जाएगी, फिर उन दो से दो दो यानी चार बन जाएगी ना, इस तरह से आगे चलकर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से ये कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहेगा। तो सेल्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होगा माइटोसिस में, याद रखेंगे ना। तो इस तरह से 64 एंड सो ऑन, इस तरह से ऐसी कंटिन्यूअसली क्या होगा, सेल्स मल्टीप्लाई होती रहेंगी, ठीक है ना। चलो, ये तो मैंने आप लोग को कुछ बात बताई, क्या बताया कि माइटोसिस टर्म किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। एनिमल सेल में माइटोसिस को किसने रिपोर्ट किया था, फ्लेमिंग ने रिपोर्ट किया था। स्ट्रासबर्गर ने इसको प्लांट सेल में रिपोर्ट किया था। सबसे बेस्ट मटेरियल जो माइटोसिस की स्टडी के लिए होता है वो होता है अनियन रूट टिप सेल। तो अनियन की जो रूट होती है उसकी टिप की जो सेल होती है वो सबसे बेस्ट मटेरियल है, वहां पे आप माइटोसिस को इजिली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। माइटोसिस प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स और एडवांस ऑर्गेनिज्म दोनों में पाई जाती है। माइटोसिस में एक्चुअल में क्या होता है, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सेल्स क्या होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, सेल्स का नंबर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है माइटोसिस के केस में, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले, माइटोसिस की डेफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा क्या हो जाएगी, तो मैंने क्या बोला कि माइटोसिस में क्या होता है, ये एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्या होता है, एक जो पैरेंट सेल होती है, एक पैरेंट सेल, उससे क्या होता है, उससे जो है दो डॉटर सेल्स बनती है। एक पैरेंट सेल से बेटा क्या बनता है, दो डॉटर सेल्स बनती है, बहुत आसान है। एक पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है। ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं,
ये बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव देखेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इनको, तो ये हमेशा अपनी मदर सेल से क्या होती हैं, इक्वल सिमिलरिटी रखती हैं, तो ये हमेशा क्या रखती हैं, सिमिलरिटी रखती हैं, सिमिलर होती हैं विद देयर मदर सेल, समझ में आ रहा है। दोनों जो डॉटर सेल्स होती हैं, दोनों डॉटर सेल्स अपनी मदर सेल से सिमिलरिटी रखती हैं, किस बेसिस पर, बेसिस क्या है, बेसिस यहां पर है क्वालिटेटिव बेसिस एंड क्वांटिटेटिव बेसिस, विच मीन्स क्या, क्वालिटेटिव मीन्स क्या, क्वालिटेटिव मीन्स कि जो आपकी जो डॉटर सेल्स हैं वो आपस में भी इक्वल हैं, क्वालिटेटिव का मतलब मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है कि जो मदर सेल, जो डॉटर सेल्स दोनों है ना, वो आपस में भी इक्वल हैं, आपस में भी सिमिलर हैं, प्लस वो मदर सेल से भी सिमिलर है। और क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, यानी जो मदर सेल है उसके अंदर 2n क्रोमोसोम है, तो दो, जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर भी कितने कितने क्रोमोसोम है, 2n 2n ही, दोनों में क्या है, 2n 2n क्रोमोसोम, दोनों डिप्लॉयड सेल्स हैं, मदर सेल भी डिप्लॉयड थी, दोनों डॉटर सेल भी डिप्लॉयड है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। और क्वालिटेटिव में बस हम ये कहेंगे कि जो दोनों डॉटर सेल्स हैं दे आर सिमिलर विद ईच अदर एंड ऑल्सो शो सिमिलरिटी विद देयर मदर सेल, विद देयर पेरेंट सेल, ठीक है ना बेटा, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और हमेशा रखना कि कभी भी माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो चेंज नहीं होता, ये तो समझ में आ गया ना, कि यहाँ पर देखो मदर सेल भी 2n है और जो डॉटर सेल्स दोनों वो भी 2n 2n, इट मींस कि देयर इज नो चेंज अकर इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम्स उनकी डॉटर सेल में भी होते हैं। तो फिर माइटोसिस होती क्यों है बेटा, उसका रीजन क्या है, इससे फायदा क्या है, तो माइटोसिस जो होती है ना उससे होगा क्या, तो अगर कोई सेल या किसी की बॉडी में माइटोसिस हो रही है तो इससे क्या होगी, ग्रोथ होगी, बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, समझ में आ रहा है ना, ग्रोथ होगी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए भी माइटोसिस बहुत जरूरी होती है, तो याद रखेंगे ग्रोथ के लिए, उसके बाद आपका क्या, मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद आपका रिपेयरिंग होने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है तो वहां पे सेल्स को रिपेयर करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो प्रजाति स्पीशीज है उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इसलिए जो है माइटोसिस बहुत जरूरी होती है। तो माइटोसिस क्यों जरूरी है, माइटोसिस जरूरी है ग्रोथ के लिए, ठीक है, और उसके अलावा क्या, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर होने के लिए, और साथ साथ स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए माइटोसिस होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा और तुम लोगों को अंदर लेके जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि माइटोसिस में एक्चुअल में कितने स्टेजेस होते हैं। तो बेटा अगर बात की जाए माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो ओवरऑल पूरा प्रोसेस है उसको हम दो स्टेप्स में बांट सकते हैं, दो फेजेस में, दो स्टेप्स में हम उसको बांट सकते हैं। तो माइटोसिस के दो स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट जो होता है डेट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, कैरियो काइनेसिस, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, कैरियो काइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, और सेकेंड दैट इज साइटोकाइनेसिस, यानी जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा माइटोसिस का, विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, विच मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे किसका, न्यूक्लियस का। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो मदर सेल है उसका सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ध्यान देना है अभी मैं जब इसको डिटेल पढ़ाऊंगा। तो सेकंड है कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब दो डॉटर न्यूक्लियस, एक डिवीजन न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे ना मदर सेल के अंदर, तो जब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा, तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। एंड आफ्टर ऑल, और इसके बाद क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये मान लो एक मदर सेल है, ये एक मदर सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक मदर सेल है, और ये इसका अंदर का क्या है, दिस इज न्यूक्लियस
ये आपकी मदर सेल या फिर पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा ना, सबसे पहले माइटोसिस होगी तो कैरियोकाइनेसिस होगा। अच्छा जब कैरियोकाइनेसिस होगा उसके बाद क्या होगा, इससे क्या बनेगी, इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा, और जब वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। कौन कौन से, इसके अंदर इस तरह से दो आपके न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट स्टेप था न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद फिर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सीडी मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फिगर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। ये मान लो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया ऐसे, ये देखो बीच में से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, ठीक है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो जाएगा उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, दो आपकी क्या बन जाएंगी, सेल बन जाएंगी, इस तरह से दो क्या बन जाएंगी, सेपरेट सेपरेट अलग अलग सेल बन जाएंगी, इस तरह से बन जाएगी ना, याद रखेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये माइटोसिस का है, इसमें तुम्हारी पेरेंट सेल 2n है, 2n है, और जो लास्ट में फाइनली जो डॉटर सेल्स बन रही है वो भी कैसी बन रही है, 2n ही बन रही है, वो भी कैसी बन रही है, 2n ही बन रही है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सिमिलर विद मदर सेल, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो पहला स्टेप है दैट इज न्यूक्लियस का डिविजन, इसी को आप क्या बोलते हो, कैरियोकाइनेसिस बोलते हो, ये कैरियोकाइनेसिस है। आफ्टर द आफ्टर कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, मदर सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो, टू डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। तो दो डॉटर न्यूक्लियस जब बन जाएंगे तो उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद बीच में वॉल वॉल बनेगी, अभी उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। उसके बाद फिर अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये ओवरऑल ये आपको याद रखना है, ये इतनी चीज। अब सबसे पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैसे होता है। और याद रखना कि जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो ये कैरियोकाइनेसिस जो यहाँ पे लिखा है ना, इसके भी क्या होते हैं, चार स्टेजेस होते हैं, सब स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज, प्रोफेज। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं बेटा मेटाफेज, आप सबने पहले से पढ़ा होगा, प्रोफेज मेटाफेज। और फिर होता है एनाफेज, और लास्ट में होता है टीलोफेज। तो दीज आर द फोर स्टेजेस, दीज आर द फोर सब स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। ये कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना, इसी में है, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस तो बहुत शॉर्ट सा है, उसको तो मैं एक मिनट में पढ़ा दूंगा, तो याद रखना। तो कैरियोकाइनेसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सारे स्टेजेस को पढ़ना पड़ेगा। उस आफ्टर टीलोफेज, जब टीलोफेज हो जाएगा उसके बाद दो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मदर सेल में जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसके बाद क्या बन जाएंगे, उसके बाद आपके दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे सेल के अंदर। अच्छा कैरियोकाइनेसिस में मैंने बताया कि अगेन इसके अंदर चार स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका क्या था, प्रोफेज, प्रोफेज था, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, देन मेटाफेज पढ़ेंगे, मेटाफेज, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मेटाफेज पढ़ेंगे और सब में फिगर भी बनाएंगे। उसके बाद एनाफेज पढ़ेंगे और आपको एग्जाम में भी इसमें फिगर बनाना है, और उसके बाद आपको टीलोफेज लास्ट में पढ़ना है। जब आप टीलोफेज पढ़ लोगे देन आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा और दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा प्रोफेज। तो चलो सबसे पहले प्रोफेज पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुमको पता है कि जो प्रोफेज है वो पहला स्टेज है, पहला स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज सबसे पहला सब स्टेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। कुछ पॉइंट्स है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, सब स्टेज कौन सी है, प्रोफेज है, ठीक है ना। अच्छा प्रोफेज से पहले किस स्टेज को क्या बोलते हैं, तो प्रोफेज से पहले ना, स्टेज बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज की जो प्रीवियस स्टेज है, स्टेज बिफोर प्रोफेज, आपको पता है आपने सेल साइकिल पढ़ा है, तो स्टेज बिफोर प्रोफेज उसको आप बोलते हो इंटरफेज।
क्योंकि इससे पहले तो इंटरफेस था ना, आपने सेल साइकिल पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में इंटरफेस। तो इंटरफेस के बाद ही तो एम फेज आएगा, तो एम फेज में सबसे पहले क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस, और उसमें सबसे पहले प्रोफेज आएगा। तो प्रोफेज से पहले का स्टेज क्या होगा, इंटरफेज होगा, और क्या होगा, ठीक है ना। अब प्रोफेज में होता क्या है, अभी मैं डायग्राम भी बना के बताऊंगा, सबसे पहले समझो। तो प्रोफेज में सिंपली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स वो क्या होते हैं, वो क्लियर नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड लाइक उनका क्या होता है, नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक। क्रोमोसोम्स आर नॉट क्लियर, दे आर थ्रेड लाइक। तो वो थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है ना, थ्रेड लाइक होते हैं, और बाद में वो क्या हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, और क्लियर होकर जो है क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। देखो ये सारा काम प्रोफेज में ही होगा। इनिशियली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन्स होते हैं, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, क्लियर क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते। उसके बाद फिर बाद में मिड प्रोफेज में, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और जब क्रोमोसोम्स क्लियर हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स जो है, हर एक क्रोमोसोम में तुमको क्या दिखाई देगा, हर एक क्रोमोसोम में तुमको दो क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे, क्रोमेटिड्स भी दिखाई देंगे। तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट टू क्रोमेटिड्स यूजुअली, ना मैंने आपको पढ़ाया था ना इन जनरल, जब मैंने आपको क्रोमोसोम पढ़ाया था साइटोलॉजी में। तो जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोफेज में, वो आगे चलकर क्लियर डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, और हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स भी जो है आपको दिखने लगते हैं। और ये दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं, किस पॉइंट पे आपको पता होगा, अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर पे, ऑन सेंट्रोमियर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे समझो कि क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरह से आप क्या देखते हो, इस तरह से आप जो है ऐसे आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है ना। फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ वक्त बाद कैसा होता है, क्लियर हो जाता है, और इस तरह से क्या आपको दिखाई देने लगते हैं, डिस्टिंक्ट, इस तरह से आपको क्लियर क्या दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज सेंट्रोमियर, सही है, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है, इसको आप क्रोमेटिन थ्रेड बोल लें। तो इनिशियली प्रोफेज में क्रोमेटिन थ्रेड होता है, लेकिन वो आगे चलकर फिर क्लियर हो जाता है, और क्लियर होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम दिखने लगता है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये चीज हो गई। अच्छा एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये चीज हो गई प्रोफेज में कि क्रोमोसोम दिखने लगता है, दूसरी चीज ये याद रखो कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल है, इन द केस ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में, नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम। आपने पढ़ा है सेंट्रोसोम, सुना होगा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ होता है, एनिमल सेल में, न्यूक्लियस के पास में होता है। ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर क्या बनाएगा, टू सेंट्रियोल्स, इसके अंदर क्या बनेंगे, दो सेंट्रियोल्स बनेंगे। तो ये सेंट्रोसोम क्या करेगा, डिवाइड होकर क्या बनाएगा, टू सेंट्रियोल बनाएगा, और ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, ये मूव करेंगे, और मूव कर सेल के अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, सब क्लियर होगा, एकदम आराम से सुनते रहो केवल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनिमल सेल के केस में, अगर एनिमल सेल में माइटोसिस पढ़ रहे हो, देन वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है सेल का, उसके न्यूक्लियस के पास में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। उस सेंट्रोमियर, वो स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर होता है, वो डिवाइड करके क्या बनाता है, दो राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिनको सेंट्रियोल कहा जाता है। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये मूव करते हैं क्या, अपोजिट पोल की तरफ। अभी मैं फिगर में तुम लोग को दिखाऊंगा कैसे। तो अभी मैं प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको सारा आपको दिखा भी दूंगा कैसे फिगर में होता है। तो एक तो मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल एनिमल सेल के केस में होता है, वो डिवाइड करके वो जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है प्रोफेज में, ठीक है ना। अच्छा ये जो सेंट्रियोल है ना, ये जो सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये सेंट्रियोल या तो लेट प्रोफेज में, ध्यान से समझिएगा, या तो लेट प्रोफेज स्टेज में, अभी मैं बताऊंगा क्योंकि प्रोफेज बड़ा स्टेज है ना, तो इसको भी थ्री पार्ट में बांटते हैं, अर्ली मिड और लेट, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, अभी मैं फिगर बनाऊंगा। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो या तो लेट प्रोफेज में, आइदर
इन लेट प्रोफेज या फिर प्रोफेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आप पढ़ते हो मेटाफेज, या तो फिर लेट प्रोफेज में या फिर कहां पर ओआरआर इन मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं, मेटाफेज स्टेज में ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते हैं, मेक्स स्पिंडल फाइबर विच इज वेरी वेरी नेसेसरी। स्पिंडल फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स को पोल पर खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर बनना होगा। तो स्पिंडल फाइबर को कौन बनाएंगे, सेंट्रियोल्स बनाएंगे। और ये सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर को कब बनाएंगे, तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से कब बनते हैं, या तो लेट प्रोफेज में बनते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एकदम अच्छे से, या तो लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनते हैं या फिर वो फिर कहाँ बनेंगे, नेक्स्ट फेज में चले जाओगे आप मेटाफेज में। और कैरियोकाइनेसिस का सेकंड सब स्टेज मेटाफेज में जाकर आपके जो सेंट्रियोल्स हैं उससे क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में एक और चीज यहाँ पर प्रोफेज में होगी, वो क्या होगी कि प्रोफेज में बेटा ना जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जब लेट प्रोफेज में पहुंचोगे, लेट प्रोफेज में यानी प्रोफेज खत्म होने वाला है, तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ साथ क्या चीज, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर डिलीट हो जाते, डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब लेट प्रोफेज में अगर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे जो तुमको दिखाई देने वाले थे, जो तुमको दिख रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे क्रोमोसोम्स अब तुमको कहाँ पे दिखाई देंगे, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि अब तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो अब एक न्यूक्लियस का जो एग्जिस्टेंस था वो तो खत्म हो गया ना। तो अब तुमको दिखाई देगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सारे क्रोमोसोम्स अब कहाँ चले आएंगे, साइटोप्लाज्म में चले आएंगे। सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पर चले आएंगे, मूव कर जाएंगे कहाँ पर, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ पेरेंट सेल। तो ये इतना सारी चीजें तुमको याद रहेंगी। तो मैंने क्या क्या बताया था बेटा, अभी अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो क्लियर होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स की दो आर्म्स होती हैं जिनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर वाले स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। फिर मैंने एक बात बताई कि एनिमल सेल में एक सेंट्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो डिवाइड करके सेंट्रियोल बनाता है। और वो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स जब अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, तो उसके बाद या तो लेट प्रोफेज में ही या फिर नेक्स्ट फेज यानी मेटाफेज में क्या होगा, इन सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है ना। और फाइनली क्या होता है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है और सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ चले आएंगे, साइटोप्लाज्म में चले आएंगे। इतना तो समझ में आ गया। चलो अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। अब जैसे मैंने बोला कि ये मान लो ये एक डायग्राम बन गया, दिस इज द सेल, ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम हो गया। कौन से प्रोफेज का डायग्राम हो गया, अर्ली, ठीक है ना। एक मैंने और बनाया यहाँ पर, ये आपका मिड प्रोफेज का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। ये मिड प्रोफेज का डायग्राम हो गया। एक मैंने और बना दिया यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेज लंबी स्टेज है तो एक मैंने और बना दिया, और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका लेट प्रोफेज का डायग्राम हो गया, ठीक है ना, लेट प्रोफेज का। तो ये मैंने लेट प्रोफेज का डायग्राम यहाँ पे बना दिया। समझ में आ रही है बेटा बात। तो ये आपका जो पहला वाला है, ये आपका अर्ली प्रोफेज हो गया, अर्ली प्रोफेज, ठीक है ना। जो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई, जो मैंने आपको बताया, वही मैं अभी यहाँ पे डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद ये मिड प्रोफेज हो गया, मिड प्रोफेज। अभी तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज केवल पढ़ रहे हैं ना, तो ये मिड प्रोफेज हो गया और ये हो गया लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है ना बेटा, लेट प्रोफेज हो गया। अच्छा, इतने सारे प्रोफेज के क्या हो गए, इतने सारे प्रोफेज के केवल क्या हो गए, स्टेज हो गए। मतलब प्रोफेज बहुत लंबा स्टेज है, इसलिए हमने उसको दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपको समझ में आ रहा है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में, जैसा कि आपको मैंने बोला था, यहाँ पर क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है। तो मैं अंदर क्या बना देता हूँ, न्यूक्लियस बना देता हूँ। अर्ली प्रोफेज में इस तरह से यहाँ पर तुमको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा ऐसे। तो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अर्ली प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज का न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, मिड प्रोफेज में भी न्यूक्लियस रहेगा, मिड प्रोफेज में भी क्या रहेगा, न्यूक्लियस तुमको दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरह से न्यूक्लियस दिखाई देगा। लेट प्रोफेज में तुमको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा,
ठीक है ना। और अर्ली प्रोफेज में तुमको क्या सेल दिखाई दे रही है, और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से तुमको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ तुमको अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तुमको अंदर न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। यहां पर तुमको जो है न्यूक्लियस के पास में यहाँ पे क्या दिखा है, दिस इज द सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम हो गया बेटा, ठीक है ना, ये क्या है सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रोसोम हो गया, ये क्या है दिस इज न्यूक्लियोलस, सही है। ये आपको क्या दिख रहे हैं थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स यानी क्रोमेटिन दिख रहे हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स, सही है, अर्ली प्रोफेज हो गया बेटा, ठीक है ना। और तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, तो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है ना। अच्छा मिड प्रोफेज में क्या होगा, मिड सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ऐसे आप क्रोमोसोम्स बनाओ तो क्रोमोसोम्स में अब आपको क्या दिखाई देगी, क्रोमोसोम्स अब वहां पे थ्रेड लाइक थे, यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गए, सेंट्रोमियर से आपस में दोनों क्रोमेटिड उनके जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अंदर यहाँ पर क्या है, दिस इज द सेंट्रियोल, ये क्या वो है न्यूक्लियोलस, और जो सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोसोम अब डिवाइड होने लगेंगे, तो सेंट्रोसोम जब डिवाइड होंगे तो उस तरह से इस तरह से क्या होगा, दो इस तरह से वो डिवाइड होंगे, ऐसे डिवाइड होंगे, वो जाने लगेंगे किस तरफ, पोल की तरफ जाने लगेंगे, पोल की तरफ, ये पोल की तरफ, सेंट्रोसोम डिवाइड हो गया और पोल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेट प्रोफेज है उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोसोम होंगे वो पहुंच जाएंगे कहां पर, सेंट्रोसोम पहुंच जाएंगे पोल पर, यहां पर पहुंच जाएंगे पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था कि सेंट्रोसोम से क्या निकलेंगी, सेंट्रोसोम से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, मैंने बोला था या तो लेट प्रोफेज में निकलेंगे या तो फिर नेक्स्ट फेज में हम पहुंच जाएंगे, जब मेटाफेज पढ़ेंगे तो उसमें निकलेंगी, तो लेट प्रोफेज में ही क्या होंगी, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, लेट प्रोफेज में मैं स्पिंडल फाइबर बनाना चालू कर देता हूँ, यहाँ पर जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स है उनसे क्या निकलने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलने लगते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान देना कि मैंने बोला लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगती है, तो इस तरह से बनाओ ऐसे, तो ये क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो रही है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, क्लियर, क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना, दिस इज द क्रोमोसोम, तो बिल्कुल बहुत बहुत आसान है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर देख रहा हूँ ना, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, कहाँ पहुंच गया है, पोल पे पहुंच गया है, पोल पे पहुंच चुका है, नीचे भी देखो सेंट्रियोल से क्या निकली हुई है बेटा, एस्टर रेज निकली हुई है, दीज आर द एस्टर रेज, यही एस्टर रेज आगे चलकर क्या बनाएंगी, स्पिंडल फाइबर बनाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, डिसअपियर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात में इतनी, तो ये हो गया आपका प्रोफेज, आपको प्रोफेज समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की जो इस कहानी है दैट इज मेटाफेज, तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस में मेटाफेज, ठीक है ना, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा जो अब स्टेज आ जाएगा वो है मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। अच्छा मेटाफेज की अगर बात की जाए तो मेटाफेज में क्या क्या बातें जाननी है, सबसे पहले कि ये बेस्ट स्टेज है, बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ ऑफ मॉर्फोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है, क्रोमोसोम की लंबाई चौड़ाई क्लियर आपको क्रोमोसोम देखना है, तो आपको मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। तो अगर क्रोमोसोम को आपको सबसे अच्छे तरीके से देखना है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, तो बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कौन है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में आपने क्रोमोसोम बहुत क्लियर दिखाई देगा, तो अगर जिसको क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है तो वो मेटाफेज में ही क्रोमोसोम की स्टडी करता है, ठीक है ना, साइज के लिए भी, ठीक है ना, प्लस साइज, अगर साइज भी क्रोमोसोम की आपको आइडेंटिटी मेजर करनी है, साइज आपको उसकी देखनी है क्रोमोसोम की, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट जो स्टेज है वो कौन सी है, मेटाफेज। ओवरऑल एक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उसकी साइज, दोनों की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है कौन सी, मेटाफेज, याद रहेगा। अच्छा
क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस स्टेज में क्या होते हैं, बिल्कुल साफ दिखते हैं, एकदम सबसे ज्यादा साफ, मोस्ट क्लियर, एकदम क्लियर विजिबल है, क्लियर विजिबल, एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। इसलिए जो है हम इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स के मॉर्फोलॉजी, उसकी साइज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज की इस स्टेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो भी एकदम क्लियरली दिखते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो इससे पहले वाले स्टेज में हम लोग बनाना स्टार्ट किए थे, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो भी एकदम क्या होते हैं, क्लियर विजिबल होते हैं। याद हो जाएगा ना, बहुत आसान है। स्पिंडल फाइबर भी क्या होते हैं बेटा, क्लियर विजिबल होते हैं। मैं अभी फिगर बनाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए अब, क्योंकि स्पिंडल फाइबर को थोड़ा सा मैं डिटेल पढ़ाता हूँ आपको। देखो बेटा, होता क्या है ना, माइटोसिस दो टाइप की होती है। स्पिंडल फाइबर को अगर हम बेस बना के बोलें तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली माइटोसिस दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिंडल, टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। सबसे पहले जो होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस, एस्ट्रल, याद रखना याद से, एस्ट्रल माइटोसिस। विच मीन्स क्या, एस्ट्रल माइटोसिस का मतलब क्या होता है, एस्ट्रल माइटोसिस का मतलब ये होता है कि इस वाले माइटोसिस में सेंट्रियोल जो होता है वो पाया जाता है। मींस अब आप गेस करो कि सेंट्रियोल कहाँ होता है, एनिमल सेल में, केवल प्लांट सेल में तो होता नहीं सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। तो एस्ट्रल माइटोसिस जो एनिमल सेल की माइटोसिस है, यानी जो एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है ना, एनिमल सेल की जो माइटोसिस होती है उसी को आप क्या बोलते हो, एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल। तो यहाँ पर सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो व्हेन माइटोसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, देन दिस टाइप ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड एस्ट्रल माइटोसिस, एंड इट ऑलवेज हैपन इन एनिमल सेल, इट इज ऑलवेज अकर इन एनिमल सेल बिकॉज एनिमल सेल कंसिस्ट सेंट्रियोल, प्लांट सेल नेवर कंसिस्ट सेंट्रियोल। मीन्स प्लांट सेल की माइटोसिस को एस्ट्रल माइटोसिस नहीं कह सकते, ठीक है ना बेटा, समझ। अच्छा, अब ये जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल होते हैं जो पोल पे पहुंच जाते हैं, वो जो जो लेट प्रोफेज में ही पोल पे पहुंच जाते हैं, वो सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेंट्रियोल आगे चलकर क्या बनाते हैं, एस्टर रेज बनाते हैं। उनसे कुछ रेज लाइक स्ट्रक्चर, किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, उनको आप क्या बोलते हो, एस्टर रेज कहते हो। और यही एस्टर रेज आगे चलकर क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है। याद रहेगा कि सेंट्रियोल से एस्टर रेज निकलती है, एस्टर रेज आगे चलकर स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। तो ये एक तरह का माइटोसिस हो गया जिसको आप क्या बोलते हो, एस्ट्रल माइटोसिस कहते हो। समझ में आ गई बात। दूसरा दूसरा जो माइटोसिस है, जो प्लांट सेल वाले केस में हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल, ANSTRAL, एनेस्ट्रल माइटोसिस। बेटा ये जो एनेस्ट्रल माइटोसिस है ये बिल्कुल जो एस्ट्रल माइटोसिस है उसकी उल्टी है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये कहाँ होगा, प्लांट सेल में होगा। तो ये प्लांट सेल में पाई जाती है, जो प्लांट सेल की माइटोसिस होती है, प्लांट सेल्स माइटोसिस, प्लांट सेल की जो माइटोसिस होती है उसी को आप क्या बोलते हो, एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में कभी भी सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होते, तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रियोल्स अब्सेंट होते हैं तो फिर कैसे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर तब भी बनता है, उसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी पता नहीं है एग्जैक्ट कैसे बनता है, लेकिन बनता है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, सेंट्रियोल्स नहीं होते, और जब सेंट्रियोल्स नहीं होते तो इस वजह से जो एस्टर रेज होती हैं वो भी नहीं पाई जाती। तो एस्टर रेज भी क्या हो जाती हैं, अब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती। तो सेंट्रियोल अब्सेंट है इसलिए एस्टर रेज भी अब्सेंट है। लेकिन लेकिन बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा। कैसे बनेगा मैंने अभी बताया ना, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर नहीं है तो हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन बनेगा, याद रखना। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा, ठीक है ना, फॉर्म स्पिंडल फाइबर बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। किस मैकेनिज्म से बनेगा वो क्लियर नहीं है, बट बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसी माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। तो हम लोग मेटाफेज पढ़ रहे हैं, मेटाफेज में ओवरऑल क्या हुआ, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो गए, बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, क्रोमोसोम की साइज की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज माइटोसिस है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं इसलिए ये बेस्ट स्टेज मानी जाती है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी क्लियरली विजिबल होते हैं,
और यहाँ पर माइटोसिस मैंने दो टाइप की आपको बताई, एक एस्ट्रल माइटोसिस एक एनेस्ट्रल माइटोसिस। एस्ट्रल माइटोसिस के केस में क्या होता है, सेंट्रियोल पाया जाता है तो यहाँ पर एस्टर रेज बनती है, एस्टर रेज आगे चलकर स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। ये माइटोसिस केवल एनिमल सेल में होती है क्योंकि वहीं पर सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल होगा तो ही एस्टर रेज बनेगी। और एनेस्ट्रल माइटोसिस प्लांट सेल की माइटोसिस को कहते हैं क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, ऐसे केस में एस्टर रेज का फॉर्मेशन नहीं होता लेकिन फिर भी स्पिंडल फाइबर बनता है, ऐसा नहीं कि स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आपको मेटाफेज के बारे में कुछ बातें बता दी। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो जो मेटाफेज है ना, मेटाफेज में होता क्या है कि इन मेटाफेज जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना इस सेल के अंदर, जितने भी क्लियर हो गए ना क्रोमोसोम सारे क्लियर हो गए, तो इन मेटाफेज जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ऑल क्रोमोसोम्स, वो सारे क्रोमोसोम्स आकर अरेंज हो जाते हैं। कहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, एकदम सेल के बीच में। तो ऑल क्रोमोसोम जितने भी सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं सब आकर कहां पर, बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। अभी मैं फिगर बनाता हूं मेटाफेज का, इक्वेटोरियल प्लेट। तो सारे क्रोमोसोम्स आकर इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं, अरेंज्ड अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। सारे क्रोमोसोम्स सेल के बीच में एकदम आ जाते हैं और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो ये मेटाफेज का मतलब ही मेन यही है कि मेटाफेज, मेटा मीन्स बीच में। तो यहाँ पर क्या, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं जो क्लियर हो गए हैं वो सारे क्रोमोसोम्स आकर सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, इसीलिए उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। और यहाँ पर भी ये जो अरेंज होते हैं ना, यहाँ पर दो कंडीशन है, क्या यहाँ पर दो चीजें कैसे अरेंज होते हैं, जितने बड़े साइज के क्रोमोसोम होते हैं, बिग साइज के लार्ज क्रोमोसोम्स, जिनकी जिन क्रोमोसोम्स की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो लार्ज साइज क्रोमोसोम होते हैं, लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमेशा पेरिफेरी की तरफ रहते हैं सेल में। लार्ज क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, पेरिफेरी की तरफ, टुवार्ड्स पेरिफेरी, वो अरेंज होते हैं किस तरफ, पेरिफेरी, किनारे की तरफ, पेरिफेरी, ठीक है ना। और जो छोटे साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं, स्मॉल क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स कहाँ पर अरेंज रहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में, बीच में, अंदर, मतलब सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर, याद रहेगा, ये याद रखेंगे, अभी अभी सब फिगर में दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स हैं वो सारे पेरिफेरी की तरफ रहेंगे और जो स्मॉल साइज के क्रोमोसोम्स हैं वो किधर रहेंगे, बीच में, अंदर की तरफ रहेंगे, टुवार्ड्स सेंटर, बीच की तरफ रहेंगे। समझ में आ गई बात ना। अच्छा और यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, हमेशा एग्जाम में लिखेगा आप, कि मेटा माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं, मेटाफेजी में पढ़ा रहा हूँ, क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती है ना, क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं वो हमेशा किस तरफ होती हैं, पोल्स की तरफ होती हैं। किस तरफ होंगी, टुवार्ड्स पोल्स, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। मियोसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में, कि क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती है वो माइटोसिस में किधर होती है, पोल्स की तरफ होती है, पोल्स की तरफ। और जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है, जो क्रोमो सोम्स का क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोमियर जान रहे हो ना, वो पॉइंट जहां पर उसके दोनों क्रोमेटिड आपस में मिलते हैं, तो क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर होते हैं वो किस तरफ होते हैं, वो हमेशा होते हैं पोल्स पे नहीं बल्कि इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ रहते हैं, टुवार्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। अभी सब फिगर में दिखेगा, सब दिखेगा एकदम, कोई चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स की आर्म्स जो होती हैं वो पोल्स की तरफ होती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हमेशा याद रखना कि माइटोसिस के केस में जब क्रोमोसोम्स आकर इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, बड़े क्रोमोसोम्स किनारे की तरफ चले जाते हैं, बीच, छोटे साइज के क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं, जो क्रोमोसोम्स की भुजाएं होती हैं वो पोल्स की तरफ होती हैं, और जो उनका सेंट्रोमियर होता है वो किस तरफ होता है, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ अरेंज होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से भूलना नहीं है कभी, ठीक है ना। चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मेटाफेज में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर के बारे में बताया, जानते हो स्पिंडल फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो केवल एनिमल सेल के केस में बनते हैं, प्लांट सेल के भी केस में बनते हैं पर उनकी मैकेनिज्म नहीं पता, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको ध्यान से सुनो आराम से, ठीक है ना। पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर, या हम इसको एक और नाम देते हैं, हम इसको डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर कहते हैं,
डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, याद हो जाएगा बच्चों, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, पूछेंगे हम आप लोगों से बाद में। दूसरा स्पिंडल फाइबर, सेकंड टाइप का जो स्पिंडल फाइबर होता है दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग फाइबर। सपोर्टिंग फाइबर बहुत ही आसान है, अभी एक बार में देखना तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सपोर्टिंग फाइबर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर। उसको हमने डिसकॉन्टिन्यूअस बोला था, इसको हम क्या बोले, कॉन्टिन्यूअस फाइबर बोल रहे हैं। समझ रहे हो बेटा ना? तो स्पिंडल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर। अच्छा, ये जो क्रोमोसोमल फाइबर है इट इज ऑल्सो नोन एज डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, ठीक है ना। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड सपोर्टिंग फाइबर विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फाइबर। समझ में आ गया? उल्टा नहीं करेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से याद कर लेंगे इसको। चलो इसको मैं समझाने के लिए एक तुम लोग को फिगर बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक मैं फिगर बनाता हूँ, तो सपोज करो क्या है, ये एक सेल है, ये यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया, ठीक है ना, ये एक सेल बना दिया। चलो अब इस सेल में क्या है, इस सेल में ये मैं मेटाफेज का फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं मेटाफेज का फिगर बना रहा हूँ। इस सेल में अभी अभी मैंने मेटाफेज में जितनी सारी बातें बताई सब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोग को। सबसे पहले तो ये कि इस फिगर को थोड़ा सा और हमको क्या कर देना है, बड़ा कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और क्या कर देता हूँ, बड़ा बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सारी बातें दिखें इसमें, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया, चल ठीक है, अब सही है। अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो बीच में क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पे ये है एक यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच गए हैं, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, ये पोल्स पे क्या है बेटा, सेंट्रियोल, ये क्या है सेंट्रियोल एट पोल, और नीचे भी क्या है सेंट्रियोल है, ठीक है, ये भी क्या है सेंट्रियोल है, दिस इज ऑल्सो सेंट्रियोल। चल अच्छा, बीच में एकदम बीच में यहां पर इस पॉइंट पे ये जो जगह है ना, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो जगह है इसको क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल प्लेट बोलोगे, क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है ना, इसको आप इक्वेटोरियल प्लेट बोलोगे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक। कहां पर इक्वेटोरियल प्लेट प्लेट है, ये जो है जो मैं यहां पे बना रहा हूं, फिर से देखें आप ये जगह, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा जी, इक्वेटोरियल प्लेट। अब मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स तो क्लियर हो ही जाते हैं एकदम से क्लियर हो जाते हैं, इसमें बेस्ट बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, मॉर्फोलॉजी उसके शेप की स्टडी के लिए, साइज की स्टडी के लिए। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब आकर इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने बोला था कि जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, वो सारे क्रोमोसोम्स आपके बीच में होते हैं, किनारे की तरफ होते हैं। चंदा आप एक बार कंफर्म कर ले, बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए आगे देखिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो कि जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पे होते हैं, वो सारे क्रोमोसोम्स किनारे की तरफ होते हैं, इस तरह से ऐसे यहां पर, ठीक है ना, ये इस तरह से ऐसे मैं बना रहा हूं, ये क्या है, ये बड़े साइज के क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है ना, इस तरह से ये क्या है बड़े साइज के क्रोमोसोम्स हो गए। आप ध्यान से देखो सब समझ में आएगा अच्छे से, ऐसे ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना बेटा। ऐसे ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है ना, सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज हो गए, इस तरह से अरेंज हो गए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बड़े साइज के क्रोमोसोम्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ हैं, और जो छोटे साइज के क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरफ हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में बीच की तरफ, अंदर की तरफ है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात यहाँ पर बेटा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अब आपको दिखाता हूँ फाइबर्स कैसे होते हैं। तो मैंने आपको ये देखो, यहाँ से दो तरह के फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर इस तरह से होता है,
ऐसे ये स्पिंडल फाइबर पोल से निकलता है और क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर तक जाता है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये वाले, पोल से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, सेंट्रोमियर पे जाकर, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पे जाके क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं, पोल से लेकर सेंट्रोमियर तक होते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से पोल को कनेक्ट कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से पोल को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले, तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है, क्रोमोसोमल फाइबर बुलाया जाता है। ये क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, या हम इन्हीं को और क्या बोलते हैं, हम इन्हीं को बोलते हैं क्या, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, डिसकॉन्टिन्यूअस। देखो जो डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर या जो क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं वो किस तरफ से किस तरफ होते हैं, वो हमेशा पोल से सेंट्रोमियर पे अटैच रहते हैं, पोल से सेंट्रोमियर की तरफ अटैच रहते हैं, मतलब पोल से सेंट्रोमियर पे होते हैं, ठीक है ना, पोल टू सेंट्रोमियर, एक पोल से वो सेंट्रोमियर तक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच रहते हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर हो गए। दूसरे फाइबर जो मैं अभी हम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब ये देखो, ये भी एक सेंट्रो, ये भी एक फाइबर है जो एक पोल से दूसरे पोल तक, एक पोल से दूसरे पोल तक इस तरह से चला गया है, एक पोल से दूसरे पोल तक ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये देखो, ये जो आप देख रहे हो यहां से निकला, ठीक है, और ये दूसरे पोल पे चला गया, ये जो आप देख रहे हो स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर एक पोल से दूसरे पोल तक जाकर कनेक्ट हो रहा है, और ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच नहीं है, ये पोल टू पोल है और वो पोल टू सेंट्रोमियर था। तो ये वाला जो आपका स्पिंडल फाइबर है जो एक पोल से निकलकर दूसरे पोल तक पहुंच रहा है, इस वाले को आप बोलते हो कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस, या इसी को आप क्या बोलते हो, स्पिंडल, इसी को आप सपोर्टिंग बोलते हो। तो इसका भी याद रखना नाम, दिस इज कॉल्ड क्या, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग फाइबर, सपोर्टिंग फाइबर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर, क्योंकि ये किधर से किधर रहता है, पोल टू पोल रहता है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर, कॉन्टिन्यूअस फाइबर, ये हमेशा एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंचा रहता है, ये क्रोमोसोम से अटैच नहीं होता है। समझ में आ गई बात ना, तो ये बेटा क्या फिगर हो गया, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेटाफेज। तो मेटाफेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। अच्छा, मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज जो आएगा दैट इज एनाफेज। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एनाफेज, ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग एनाफेज को पढ़ते हैं। पहले एनाफेज क्या होता है बेटा, एनाफेज में ये तीसरा स्टेज है आपका कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, ये शॉर्टेस्ट फेज है, शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटे टाइम का फेज यही है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना, याद रहेगा, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, वो सेंट्रोमियर क्या करता है, डिवाइड करता है, सेंट्रोमियर क्या करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रोमियर क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना। और डिवाइड जब करेगा तो उसके बाद क्या होगा, कि क्या होगा, अब इसके बाद आगे चलकर जो है इस तरह से हाफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम मतलब कि अब क्या होगा, ईच क्रोमोसोम, जब आप, जब सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या देखोगे, कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट, कंसिस्ट वन क्रोमेटिड। अब हर एक क्रोमोसोम में आपको कितने क्रोमेटिड दिखाई देंगे, केवल एक क्रोमेटिड दिखाई देंगे। इसको ऐसे समझो कि सपोज करो ये क्या, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, और ये तुम्हारा सेंट्रोमियर यहां पर है, दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। अगर ये डिवाइड करे, सेंट्रोमियर क्या करे, डिवाइड करे, सेंट्रोमियर डिवाइड करे, तो तुम्हारा क्रोमोसोम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यानी क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक्चुअल में टूट गए हैं, और जो अब हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें केवल एक क्या है, क्रोमेटिड है, या हाफ क्रोमोसोम भी हम इसको कह सकते हैं। इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, तो इसमें जो सेंट्रोमियर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, पोल की तरफ है, और जो आर्म्स हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ है, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है कि नहीं। यहाँ पर सेंट्रोमियर की डायरेक्शन किस तरफ है, पोल की तरफ है, पोल की तरफ, ठीक है ना, और आर्म्स की डायरेक्शन किस तरफ है,
जितनी आर्म्स हैं क्रोम एंड उड की डायरेक्शन किस तरफ है, स्पिंडल इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है, समझ रहे हो ना। तो ये आपको यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी कि एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और अब हर एक क्रोमोसोम में केवल एक क्रोमेटिड होता है, ठीक है ना। अब जो है ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं किधर की तरफ, मूव करते हैं पोल्स की तरफ, टुवार्ड्स पोल, टुवार्ड्स पोल। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी कई बार बताई, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो उसकी जो डायरेक्शन है, सेंट्रोमियर की डायरेक्शन वो किस तरफ है, आपको फिगर में भी दिख रहा है, सेंट्रोमियर की डायरेक्शन किस तरफ है, पोल्स की तरफ है, टुवार्ड्स पोल, वो पोल की तरफ आपको दिख रहा है फिगर में, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो है आपकी जो आर्म्स हैं, आर्म्स जो हैं उनकी जो डायरेक्शन है, क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, टुवार्ड्स सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर मतलब इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है। समझ में आ रही बात ना बेटा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एनाफेज है, ठीक है ना। अच्छा एनाफेज में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक करके सारी बातों को आपको बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से आप लोग थोड़ी देर और। आप देखो सबसे पहले क्या होता है, सब ये देखो यहाँ पर एनाफेज में क्या होता है, अगर आपको क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी, क्रोमोसोम्स के शेप की स्टडी, आपको मैंने पढ़ाया ना कि जो जो क्रोमोसोम्स का कई तरह के शेप का होता है, वी शेप का होता है, जे शेप का होता है, एल शेप का होता है, आई शेप का होता है, आपको मैंने पढ़ाया ना ये सारा। तो जो क्रोमोसोम की शेप होते हैं उनकी स्टडी के लिए, उनकी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है, बेस्ट स्टेज है कौन सी, एनाफेज, याद रहेगा। क्रोमोसोम्स के शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, एनाफेज है, ठीक ना। अच्छा एनाफेज में एक और चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर, क्या बोलते हैं जी, इंटरजोनल फाइबर। देखो एनाफेज में क्या बनता है, इन एनाफेज इंटरजोनल फाइबर्स आर आल्सो मेड। अच्छा अब ये इंटरजोनल फाइबर क्या होता है, अभी मैं एनाफेज का डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा। इंटरजोनल फाइबर्स भी बनते हैं, ये भी कुछ तरह के फाइबर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ ले जाने के लिए, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं। ये भी यहाँ पर क्या होते हैं, बनते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स आर फॉर्म। समझ में आ गई बात ना। अच्छा प्लस आपका जो मेटाफेज में बना था कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस एंड जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर थे वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, वो खत्म नहीं हुए अभी हैं, तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर भी आर ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मेटाफेज में थे, वो मेटाफेज में बने थे ना, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अब जो क्रोमोसोम्स है उनको अपोजिट पोल पे भेजा जाएगा, क्रोमोसोम्स को तोड़ दिया गया है ना, अब क्रोमोसोम्स को क्या किया जाएगा, अपोजिट पोल पे। तो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पे भेजने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म काम करती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पे पुश करने के लिए, अपोजिट पोल पर, ठीक है ना, भेजने के लिए एक मैकेनिज्म होती है, और उस मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हो, उस मैकेनिज्म को आप बोलते हो पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म, क्या बोलते हो बेटा, पुलिंग, पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना, पुशिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। नेटवर्क अगर खराब हो तो आप बाद में देख लेंगे, पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म। अच्छा पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म क्या है, पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो बहुत ध्यान देना, पहले सुनो उसके बाद मैं फिगर बनाता हूँ। देखो बेटा होता क्या है ना कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, अब मैंने बताया था दो तरह के स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक तो होता है क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर जो पोल से लेकर सेंट्रोमियर तक अटैच रहता है उसको क्रोमोसोमल फाइबर कहते थे ना। तो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं, ये क्रोमोसोमल फाइबर, इनमें क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ये सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पोल्स की तरफ पुल किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पुल किए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स उनको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है, किस तरफ खींचा जाता है, टुवार्ड्स पोल, टुवार्ड्स पोल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप सोचो कि क्रोमोसोमल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम्स है उनको खींचा जाता है, किस तरफ, पोल्स की तरफ खींचा जाता है, पोल्स की तरफ खींचा जाता है, ठीक है ना। अब एक और चीज साथ में होगी क्या, कि जो
इंटरजोनल फाइबर है। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर एनाफेज में एक नया फाइबर आ गया इंटरजोनल, अभी मैंने फिगर में इसको दिखाना है। तो जो इंटरजोनल फाइबर होता है ना, वो इंटरजोनल फाइबर क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपका एक तरह से क्या हो जाता है, ये भी इसमें इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है ना। और उसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो इंटरजोनल फाइबर है उसमें जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उसके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। तो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, पुश किया, पुश मतलब ढकेला जाता है, किस तरफ, पोल की तरफ। तो आप इसको ऐसे जाने कि क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो क्रोमोसोमल फाइबर है वो क्रोमोसोम्स को तो खींच रहे हैं, और प्लस जो इंटरजोनल फाइबर है वो क्रोमोसोम्स को ढकेल रहे हैं पोल की तरफ। तो इसको आप बोलते हो पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। क्रोमोसोम्स किस तरफ मूव करने लगते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बेटा चलो इसका जरा मैं एक बार इसको फिगर के थ्रू आपको बता देता हूँ, जरा एक बार इसका फिगर देख लो कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये मैंने एक सेल बना दी, ठीक है ना, ये सेल बना दी, ये अर्ली एनाफेज की सेल हो गई, और एक सेल और मैंने यहाँ पे बना दी इस तरह से, ये लेट एनाफेज की। यहाँ पर एनाफेज के दो स्टेज केवल है, अर्ली और लेट, ठीक है ना। तो दिस इज अर्ली एनाफेज, और दूसरा वाला आपका जो है वो क्या है, लेट एनाफेज है, लेट एनाफेज। मैंने जो जो बातें बताई वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये है सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, ठीक है ना। और क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्योंकि स्प्लिट हो चुके हैं, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो चुके हैं, तो जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो चुके हैं तो यहाँ पर इस तरह से उसकी जो है आर्म्स जो है ऐसे ऐसे आपको दिख रही है ऐसे। तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म हो रही है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ। क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है उसका डायरेक्शन पोल की तरफ है, और जो आर्म्स है उनका डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है, बीच की तरफ है, सही है ना। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की ये क्या है, ये क्या है, ये आर्म्स है, ये आर्म्स है, ठीक है ना। और ये क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की डायरेक्शन आपको किधर दिख रही है, पोल की तरफ दिख रही है, और जो आर्म्स है उनकी डायरेक्शन किस तरफ दिख रही है, सेंटर की तरफ दिख रही है, बीच की तरफ दिख रही है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला कि यहाँ से क्या निकलते हैं, फाइबर निकलते हैं। तो जब आप फाइबर यहाँ से, आप जानते हो ना कि यहाँ से इस तरह से फाइबर निकलेंगे, ये आपका कौन सा वाला हो गया, क्रोमोसोमल फाइबर हो गया, क्रोमोसोमल फाइबर जो पोल से लेकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक अटैच है, ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गया। और मैंने एक और फाइबर आपको दिखाया था ना जो इस तरह से था, ये आपका कौन सा वाला फाइबर है, ये जो पोल टू पोल रहता है इसको सपोर्टिंग फाइबर कहते हैं या डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर पाया जाता है, ये भी यहाँ पर क्या है, इस तरह से पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका फाइबर, ये भी फाइबर हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस वाला। फिर मैंने एक और आपको बताया सपोर्टिंग फाइबर। तो बेटा सपोर्टिंग फाइबर इस तरह से देखो, बीच में यहाँ पर ये देखो दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका सपोर्टिंग फाइबर, ठीक है ना। ये एनाफेज में आपको दिखाई दिया, सपोर्टिंग फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को ढकेलने में मदद करता है। और जो ये आपके ब्लैक जो आपका है, यानी कि जो क्रोमोसोमल फाइबर है, कॉन्टिन्यूस नॉन कॉन्टिन्यूस फाइबर है, क्रोमोसोमल फाइबर ये खींच रहा है, तो क्रोमोसोमल फाइबर है ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गया, और ये आपका सपोर्टिंग फाइबर हो गया, सपोर्टिंग फाइबर। सारे फाइबर आपको दिखने लगे ना, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है ना, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ये लेट, ये आपका अर्ली प्रोफेज में हो गया। जब आप लेट प्रोफेज में पहुंचते हैं तो ये आपका सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, यहाँ पर सेंट्रियोल हो गया, ठीक है ना। अब ये जो सारी जितने भी क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम्स हैं वो पहुंचने लगते हैं पोल की तरफ, पहुंच नहीं जाते, पहुंचने लगते हैं, करीब पहुंच जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल की तरफ पहुंचने वाले, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर आपको इन सब का क्या दिखाई दे रहा है, सेंट्रोमियर, जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ ये क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। ये सेंट्रोमियर हो गया, और ये हो गए क्रोमोसोमल फाइबर जो इनको खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गए, सही है, ये क्या हो गए, क्रोमोसोमल फाइबर हो गए। चलिए चलो
अब ये तो तुम्हारा क्रोमोसोमल फाइबर हो गया। दूसरी बात कि कुछ सपोर्टिंग फाइबर भी इस तरह से बना। अब ये सपोर्टिंग फाइबर का अब इनका काम तो कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तो इस क्रोमोसोम्स पहुंच रहे हैं, तो अब जो ये सपोर्टिंग फाइबर हैं, सपोर्टिंग फाइबर्स के सारे सपोर्टिंग फाइबर अब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, अब ये भी खत्म होने लगेंगे। जितने भी सपोर्टिंग फाइबर होंगे वो भी क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। और साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर सपोर्टिंग जो फाइबर्स हैं ये तो आपके क्या हो गए, ये आपके सपोर्टिंग फाइबर्स हो गए, ठीक है ना, सपोर्टिंग फाइबर्स। और ये जो बीच में ब्लू कलर से मैंने बनाया था, मैंने इनका नाम क्या बताया था, मैंने इनका नाम आप लोग को बताया था इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंटरजोनल फाइबर, इंटर जोनल फाइबर, याद है ना, ये इंटर जोनल फाइबर थे। तो ये तो आपके सपोर्टिंग फाइबर और इंटर जोनल फाइबर, इस तरह से बीच में बना दो, चल हो गया ना। तो ये लेट प्रोफेज हो गया। तो लेट प्रोफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो पोल के पास पहुंच गए। क्रोमोसोम्स कहाँ पहुंच गए, नियर द पोल, नियर द पोल, पोल के पास में पहुंच गए। अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए पूछते हैं अब नेक्स्ट स्टेज से, लास्ट स्टेज जो आता है कैरियोकाइनेसिस का, वो आपका कौन सा आता है, लास्ट स्टेज जो आपका आएगा वो कहलाएगा टीलो फेज। तो चलिए हम लोग अब पढ़ लेते हैं टीलो फेज, ठीक है ना। देखो टीलो फेज में क्या होगा, इसको देखो, सबसे पहले तो लास्ट फेज है माइटोसिस की, लास्ट, इट इज लास्ट, इट इज लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज है, ये सही है ना, लास्ट स्टेज है। और ये हमेशा प्रोफेज की अपोजिट होती है, ये भी याद रखो, इट इज अपोजिट टू प्रोफेज, अपोजिट टू प्रोफेज, प्रोफेज की बिल्कुल अपोजिट होती है ये, ठीक है ना। जो प्रोफेज में हुआ उसका अपोजिट यहाँ होगा। अभी देख यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है, यानी टीलो फेज, टीलो मीन्स होता है एंड, छोर होता है, तो यहाँ पर फाइनली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, रीच पहुंच जाते हैं कहाँ पर, पोल्स पर, क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना बेटा। पहुंचने के बाद फिर से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स फिर से चेंज हो जाते हैं किसमें, क्रोमेटिन में, होता था ना आपने प्रोफेज में देखा था, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में चेंज होते थे, अब वापस से क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने याद है, मैंने प्रोफेज में पढ़ाया था, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से क्या हो जाएगी, रीअपियर हो जाएगी, फिर से आ जाएगी, रीअपियर। और मैंने प्रोफेज में आपको बताया था कि जो सेल न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो भी क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था, तो वापस से अब लेट टीलो फेज में क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। फाइनली इस तरह से क्या होगा, जो टीलोफेज है, आफ्टर टीलोफेज आपको क्या दिखाई देगा, टू डॉटर न्यूक्लियस दिखाई देंगे। अब तो न्यूक्लियस बना ना, तो आफ्टर टीलोफेज आपको क्या दिखाई देंगे, टू डॉटर न्यूक्लियस, तो आपको दो डॉटर न्यूक्लियस या टू डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर क्या हो गए, बन गए, ठीक है ना। न्यूक्लियाई आर फॉर्म कहाँ पर, पैरेंट सेल के अंदर, समझ में आ रही बात ना बेटा। अब इस तरह से टीलोफेज के साथ ही क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस पूरा प्रोसेस एकम्प्लीश हो गया। तो टीलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस पूरी तरह से क्या हो गया, एकम्प्लीश हो गया। तो टीलोफेज का मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। तो टीलोफेज का डायग्राम कैसे मैं बनाऊंगा, ये देखो यहाँ पर ये मैंने सेल बनाई, ये एक सेल बना दी, ठीक है ना, एक और सेल बना देते हैं, ठीक है, चलिए ये सेल बन गई। यहाँ पर आपका जो क्रोमोसोम्स से वो क्रोमोसोम्स, ये अर्ली टीलोफेज की है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स पोल पे पहुंच चुके हैं, पोल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और जो स्पिंडल फाइबर्स सारे से, वो स्पिंडल फाइबर सब क्या हो रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, उनका काम खत्म, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये आपके क्रोमोसोम्स कहाँ पहुंच गए, क्रोमोसोम्स पोल पे पहुंच गए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्रोमोसोम्स एट पोल, क्रोमोसोम पोल पे पहुंच गए। पोल पे पहुंचने के बाद मैंने क्या बोला था कि क्रोमोसोम्स वापस से क्या हो जाएंगे, थ्रेड लाइक हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स वापस से क्या हो गए, थ्रेड लाइक हो गए, क्रोमेटिन थ्रेड में चेंज हो गए। और उसके बाद उनके चारों ओर क्या हो जाएंगी, फिर से
उनके चारों ओर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, टीलोफेज है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रीअपियर हो जाएगी। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीअपियर हो गई, और अंदर एक न्यूक्लियोलस भी वापस से रीअपियर हो जाएगा, तो न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो गया। यहां ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपकी यहाँ पे रीअपियर हो गई, रीअपियर हो गई, ठीक है ना। और आपको साथ साथ अंदर जो है न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, दोनों ही न्यूक्लियस में सेम चीज, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, न्यूक्लियोलस भी आपका वापस से रीअपियर हो गया, वापस से क्या हो गया, रीअपियर हो गया, सही है ना बेटा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर हो गई, और दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, आपको टोटल कितने डॉटर न्यूक्लियस दिख रहे हैं, आपको टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं 2 डॉटर न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपको 2 डॉटर न्यूक्लियस एक पेरेंट सेल के अंदर बनते हुए दिख रहे हैं, बन चुके हैं, समझ में आ गई बात ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो डायग्राम था ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम था, अर्ली प्रोफेज या अर्ली टीलोफेज, और ये जो आपका था वो क्या था, वो लेट टीलोफेज का डायग्राम था, लेट टीलोफेज। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान, एक बार लेक्चर को रिवाइज करिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ चाहिए होगा मुझसे मांग लीजिएगा, लेट टीलोफेज, समझ में आ गई बात ना बच्चों, सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। तो इस तरह से मैंने आपको माइटोसिस का क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस पूरा पढ़ा दिया। अब उसके बाद कैरियोकाइनेसिस को पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, जो साइटोकाइनेसिस है इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब दो डॉटर न्यूक्लियस बन चुके हैं पेरेंट सेल के अंदर, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो बीच में साइटोप्लाज्म है उसको भी डिवाइड कर देंगे, ताकि पूरी तरह से डॉटर सेल्स दो अलग अलग बन जाए, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर भी देखो, देखो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या है, डिफर है, अलग अलग है। तो साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका प्रोसेस डिफरेंट है इन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में अलग प्रोसेस और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं दोनों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, तो अगर बात करें सबसे पहले एनिमल सेल की, तो बेटा ध्यान से देखना, एनिमल सेल में जब एक पेरेंट सेल में माइटोसिस में दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है, तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, तो यहाँ पर जो चीज है दैट इज कॉल्ड सेल फरो मेथड। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, सेल फरो मेथड से होता है। सेल फरो मेथड का मतलब सेल में एक फरो बनती है, फरो मतलब एक तरह की खांच बन जाती है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या बन जाती है, एक तरह की खांच बन जाती है, ठीक है ना, उसी को सेल का फरो, सेल फरो बोलते हैं। ये कैसे बनती है, तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल सेल्स के अंदर होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये, और इनके साथ क्या, माइक्रोफिलामेंट्स, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये सेल्स के अंदर होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये आकर क्या हो जाते हैं, गेदर, ये आकर एक्यूमुलेट हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सेंटर में, इन द सेंटर, सेल के अंदर, सेल के अंदर एकदम सेंटर में, बीच में आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं सेंट्रल एरिया में। क्या क्या चीजें इकट्ठा हो गई सेल के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये आकर बीच में इकट्ठा हो गए। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिलकर, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मिड बॉडी नाम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा यहाँ पर, मिड बॉडी, तो मिड बॉडी नाम का स्ट्रक्चर बनेगा, समझ में आ गई बात ना। अब क्या होगा, जब मिड बॉडी नाम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो पेरिफेरी है सेल की, पेरिफेरी यानी किनारा, पेरिफेरी से किस तरफ, सेंट्रल, ठीक है ना, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, पेरिफेरी से सेंट्रल, सेंटर की तरफ क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या जो सेल मेम्ब्रेन होगी सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होगी, समझ रहे हो ना। पेरिफेरी से सेंटर की तरफ सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, फोल्ड होगी। अभी मैं फिगर भी बना दूंगा, और फोल्ड होकर क्या बना देगी, खांच बना देगी, फरो बना देगी, क्या बना देगी, फरो बना देगी, समझ लो। यानी यहाँ पर, यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर जो फरो का फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में माइटोसिस के केस में, साइटोकाइनेसिस में,
वो फरो फॉर्मेशन कैसे होता है? वो फरो फॉर्मेशन होता है हमेशा पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर, पेरिफेरी से किस तरफ? सेंटर की तरफ फरो का फॉर्मेशन होगा। जब फरो का फॉर्मेशन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगा तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। तो इसको सेंट्रीपिटल मैनर कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फरो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल फैशन में होता है। समझ में आ गई बात ना बेटा? तो इसको अब मैं डायग्राम से तुम लोग को बताता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो तुम लोगों का है वो भी खत्म हो जाए। अच्छा सपोज करो क्या है, ये एक सेल है, ये मान लो ये एक एनिमल सेल है। चलो ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर ये दो न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स के साथ साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं और मिलकर बीच में इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर, और क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या बोलते हैं? मिड बॉडी बोलते हैं। तो ये जो मैंने बनाया दिस इज क्या? मिड बॉडी। ये क्या बेटा? मिड बॉडी बना दिया। अच्छा मिड बॉडी बनने के बाद फिर क्या होता है? फिर मैंने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है। आप देखो इस फिगर में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है, फोल्ड हो रही है ना, इनफोल्ड हो रही है सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ। सेल मेम्ब्रेन लचीली होती है ना, आपको साइटोलॉजी में पढ़ाया ना, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लचीली होती है, इसलिए वो अंदर की तरफ क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है। अब फोल्ड हो रही है, ठीक है ना, फोल्ड हो रही है। ये फोल्डिंग क्या पेरीफेरी से सेंटर की तरफ है कि नहीं? बाहर से अंदर की तरफ है ना फोल्डिंग। तो ये जब फोल्डिंग और ज्यादा डीप हो जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा? फोल्डिंग हो रही है ना पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुस रही है, फोल्ड हो रही है। इस तरह से फाइनली क्या होगा? आप देखोगे जब पूरी तरह से फोल्ड हो जाएगी सेल, तो ये इस तरह से दो दो सेपरेट सेल्स यहाँ पे बन जाएंगी। बन जाएंगी कि नहीं? दो सेपरेट सेल्स बन जाएंगी, बन जाएंगी। ये क्या है? ये टू डॉटर सेल्स है। क्या है बेटा? ये टू डॉटर सेल्स है। समझ में आ गया ना? ये टू डॉटर सेल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड फरो। ये तो फरो है ना। तो ये फरो का फॉर्मेशन क्या है? और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, ठीक है, पेरिफेरी से अंदर की तरफ सेंट्रिपिटल मैनर में सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लचीली होती है इसलिए वो फोल्ड हो सकती है। और इस तरह से फाइनली जो है टू डॉटर सेल्स बन जाती है। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। आपको एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस समझ में आ गई ना? चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होती है। किसमें? प्लांट सेल में। तो बेटा प्लांट सेल की बात की जाए, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इन प्लांट सेल। तो बेटा प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होती है ना सबसे ऊपर, और सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड होती है। सेल वॉल कभी लचीली नहीं होती, इलास्टिक नहीं होती, आपको पता है ना, साइटोलॉजी मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो सेल वॉल हार्ड होती है, इसलिए यहाँ पर फरो मेथड नहीं यूज होता। यहाँ पर फरो मेथड से साइटोकाइनेसिस नहीं हो सकती, साइटोप्लाज्म का डिवीजन फरो मेथड से नहीं हो सकता। यहाँ कौन सा मेथड रहेगा? बाई सेल प्लेट। यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। कैसा फॉर्मेशन बेटा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेल प्लेट मेथड से यहाँ पर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी। सेल प्लेट कैसे बनती है? साइटोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था कि अच्छा सेल प्लेट से क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल जो है वो क्या है? सेल वॉल जो है वो हार्ड है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इज हार्ड। सेल वॉल तो हार्ड होती है, और हार्ड होने की वजह से सेल वॉल हार्ड होती है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फरो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये याद रखना। इसलिए यहाँ पर सेल प्लेट बनता है, ठीक है ना। अच्छा सेल प्लेट कैसे बनता है आपको याद है? मैंने आप लोग को एनिमल जब साइटोलॉजी पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? जो गॉल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप बोलते हो फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हो? फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हो, याद है आप लोगों को? आप क्या बोलते थे उसको? फ्रेगमोप्लास्ट बोलते थे, ठीक है ना, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते थे। और वो जो फ्रेगमोप्लास्ट होता था, वो फ्रेगमोप्लास्ट आगे चलकर जो है, फ्रेगमोप्लास्ट आगे चलकर क्या बनाता था? सेल प्लेट बनाता था। आप लोग को याद आ रहा है? अगर आप लोगों ने साइटोलॉजी पढ़ी है मुझसे तो आप लोग को पता होगा। चलो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्रेगमोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर यहाँ बीच में बनता है, ठीक है ना। तो पहली वाली सेल में मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। ये बेटा क्या बन गया? फ्रेगमोप्लास्ट बन गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, चलो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? फ्रेगमोप्लास्ट हो गया। तो अच्छा इसको आप क्या बोलोगे? फ्रेगमोप्लास्ट बोलोगे। फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनता है? तो फ्रेगमोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर बनता है जब गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किससे? गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेज होते हैं, क्या होते हैं? पीसेज होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और प्लस जो गॉल्जी वेसिकल्स होती हैं, गॉल्जी वेसिकल्स,
गॉल्जी वेसिकल्स। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, फ्रेग्मोप्लास्ट बनता है। क्या बनता है बेटा, फ्रेग्मोप्लास्ट। अच्छा ये जो फ्रेग्मोप्लास्ट बना, ये जो फ्रेग्मोप्लास्ट बना, ये फ्रेग्मोप्लास्ट जो है वो आगे चलकर क्या बनाएगा, सेल प्लेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सेल प्लेट, ठीक है ना। तो यहां मैंने लिख दिया फ्रेग्मोप्लास्ट। चलिए ये डॉटर न्यूक्लियस बना हुआ है कैरियोकाइनेसिस के बाद। उसके बाद फाइनली यहां पे क्या बनेगा, सेल प्लेट बन जाएगा इस तरह से। ये क्या है जी, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे सेल प्लेट। तो फ्रेग्मोप्लास्ट आगे चलकर सेल प्लेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और जब सेल प्लेट में चेंज हो जाएगा उसके बाद फाइनली क्या होगा, सेल प्लेट आगे चलकर क्या बनाती है, याद है आपको, अगर आपने याद होगा कि सेल वॉल की जो पहली लेयर होती है मिडिल लैमिला जिसको बोलते हो, तो मिडिल लैमिला बनाती है। तो सेल प्लेट क्या बनाती है, मिडिल लैमिला बना लेती है। ये क्या हो गया, ये आपका मिडिल लैमिला हो गया, ठीक है ना बेटा। इसको आप क्या बोलोगे, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला। अब आपको पता है मैंने आपको जब सेल वॉल पढ़ाया था कि मिडिल लैमिला के दोनों साइड में जो है प्राइमरी वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी वॉल बन जाती है। तो इस तरह से सेल प्लेट से मिडिल लैमिला बनेगी, और मिडिल लैमिला के बनने के बाद जब मिडिल लैमिला बन जाएगी उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, दो सेल पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे हो गई है, ठीक है ना बेटा। ये क्या बन गई, टू डॉटर सेल्स बन गई। तो सिंपली याद रखें कि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में आपका, प्लांट सेल में आपका क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल वॉल, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और सेल प्लेट के फॉर्मेशन से क्या होता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन फाइनली हो जाता है, यानी सेल प्लेट के फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होती है। और एनिमल सेल में मैंने बताया सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। तो पूरा लेक्चर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, और इतना आपने फाइनली देखा कि अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स बन गई, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। सारी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में कवर कर दी। आप इस लेक्चर को जरूर एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। मेरी पूरी गारंटी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं आप सभी लोगों को डाउट का रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने माइटोसिस पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे मियोसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे।